ओके, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? लाइव हैं? चलिए, हम निविदा के विषय में बात कर रहे थे। सरकार के पास इतना पैनी कि ना तो ही कर्मचारी होते हैं ना ही इतना धन होता है, तो किसी कार्य को करवाने के लिए वो जब सार्वजनिक यानी कि संसाधनों का सहारा न लेकर के व्यक्तिगत संसाधनों का सहारा लेती है, व्यक्तिगत का मतलब कुछ कुछ व्यक्तियों का सहारा लेती है और उनसे कार्य करवाती है, तो उनसे कार्य करवाने के लिए वो पहले एक प्रपत्र जारी करती है या कुछ शर्तें जारी करती है, उसी को ही निविदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो निविदा यानी टेंडर, तो जानते ही हैं कि जैसे पुल बनता है या रोड बनती है तो अब क्या होता है कि सरकार PWD से कम कार्य करवाती है। PWD सिर्फ उसका क्या करता है, निरीक्षण करता है। ठीक है, और वो सरकार को दूसरे जो यानी व्यक्तिगत लोग हैं वो जिन्हें हम लोग बोलते हैं ठेकेदार, ठीक है, तो वो कार्य करके प्रदान कर देते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, निविदा बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं निविदा की परिभाषा। ठीक है, तो निविदा की परिभाषा ये है, टेंडर या निविदा की परिभाषा ये है कि किसी निर्माण कार्य यानी कि कोई चीज़ बनाने के लिए या आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए, जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए या विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड होते हैं, जो पहले से ठेकेदारों से जो आवेदन पत्र मांगे जाते हैं उसे निविदा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? किसी भी कार्य को करवाने के लिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को कराने के लिए जो सरकार के द्वारा पहले से ही ठेकेदार निर्धारित होते हैं, उन ठेकेदारों से जब मांगा जाता है कि आप हमें यानी कि ये कार्य हमें करवाना है और जो इसमें से इंटरेस्टेड हों, ठीक है, वो अपना, ठीक है, यानी हमें पत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, निविदा कहा जाता है। और इसमें निविदा दो तरीके की होती है, एक बार क्या होता है, एक होता है कि किसी भी कार्यालय में है तो उस कार्यालय के बोर्ड में लगा दिया जाता है, और जब उस कार्यालय के बोर्ड में न लगा करके, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, प्रकाशित करवाया जाता है, किसमें, समाचार पत्रों में, यानी कि जब ये समाचार पत्रों के रूप में या समाचारों में प्रकाशित कराई जाती है, ठीक है, इसलिए इसे निविदा सूचना कहा जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में इसे निविदा सूचना के नाम से जाना जाता है, यानी कि निविदा सूचना तभी बनती है जब वो समाचारों में प्रकाशित करवाई जाती है। ये हो गई निविदा सूचना। ठीक है, तो उसे निविदा सूचना कहा जाता है। निविदा प्रस्तुत करने की जो शर्तें होती हैं वो उसी पत्र में या साथ में संलग्न जो पत्र होते हैं उसे मुद्रित होती हैं, मतलब उसकी कुछ ना कुछ क्या होती हैं, शर्तें होती हैं, क्योंकि सरकार अपने आप तो करवा नहीं रही है, तो इसलिए वो शर्त बताती है कि इतना इतना ये होना चाहिए, तो उसे वो शर्तें जो है इसमें लिखी जाती हैं, और वो जो शर्तें लिखी रहती हैं, ठीक है, उसी को ही बोला जाता है, या तो उसी प्रपत्र में, ठीक है, मुद्रित रहती हैं यानी निविदा वाले में ही, या तो उसके साथ क्या कर देते हैं, शर्तों को अलग से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं जरा बताइए आप लोग मुझको। जो निविदा होती है, अब हम आगे पढ़ेंगे निविदा के प्रकार, इसके प्रकार
निविदा के कुल चार प्रकार होते हैं, ठीक है। निविदा के कुल जो प्रकार हैं वो चार हैं। इसमें जो पहला प्रकार है, यानी ये किस किस प्रकार से क्या किया जाता है, प्रकाशित करवाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला है अल्पकालिक निविदा, अल्पकालिक निविदा, ठीक है। अल्पकालिक का मतलब जैसे कि आप लोग इसके बात से ही समझ रहे हैं कि अल्पकालिक का मतलब अल्पकाल के लिए, यानी कि जिस कार्य को बहुत ही कम समय में पूर्ण करके प्रदान करवाना हो, यानी कि सरकार को हैंडओवर करना हो, ठीक है, उसे अल्पकालिक निविदा कहा जाता है, यानी कि थोड़े समय के लिए। तो इसमें है कि जब कार्य को शीघ्र समाप्त करना हो, ठीक है, शीघ्र समाप्त करके, या कर की जगह करने कर दीजिए, करने की शर्त पर निविदा जारी की जाती है, ठीक है। यानी कि जल्दी ही जल्दी समाप्त करना होता है उस कार्य को, ये बहुत बड़ा कार्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई रिपेयरिंग करना है या कुछ इसी प्रकार का कोई भाग होता है, रिपेयरिंग करना, या यानी पहले से कोई वस्तु बनी हुई है उसमें रिपेयरिंग करना है, अथवा ठीक है रिपेयरिंग ना करके थोड़ा सा काम है, ज़्यादा काम नहीं है, तो उसके लिए अल्पकालिक निविदा, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म नोटिस, ठीक है, या शॉर्ट टर्म टेंडर जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये अब ये कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे किसी यूनिवर्सिटी को क्या करना हुआ, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, ठीक है, और 2 महीने के अंदर उसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, तो वो कॉपियों की निविदा मंगवाएगी, ठीक है, कि कॉपी जो है यानी कि परीक्षाओं के लिए जो कॉपी प्रयोग की जाती है उनके लिए निविदा मंगवाएगी, लेकिन उसे अल्पकालिक निविदा, यानी कि उसके लिए बोलेगी कि हमें 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर इतनी कॉपियों की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो उसे कहा जाता है अल्पकालिक निविदा, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा है दूसरे प्रकार की निविदा को कहा जाता है नीलामी सूचना, ठीक है। नीलामी सूचना का मतलब होता है सरकार के पास कुछ ऐसी, ठीक है, वस्तुएं होती हैं, उन्हें वो नीलाम करना चाहती है, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक रूप से वो उसे बेचना चाहती है, उसी को ही नीलामी सूचना कहा जाता है। आप लोगों ने अभी बहुत यानी कि एक घटना सुनी होगी, एयर इंडिया, ठीक है, तो उसकी उसके लिए बोली की बात की गई थी, तो वही था क्या, ठीक है, नीलामी सूचना, उसे नीलाम किया सरकार ने और उसे टाटा ने खरीदा, ठीक है। तो टाटा ने यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा सरकार उसी को क्या करेगी, उस वस्तु को बेच देगी, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो निष्प्रयोज्य होती हैं, निष्प्रयोज्य का मतलब होता है कि सरकार के पास होती हैं और वो उनका कोई उपयोग नहीं होता है, तो कबाड़ में भी जाने लायक होती हैं, तो उसे निष्प्रयोज्य मानता है, यानी बिल्कुल वो किसी भी योग्य यानी कि किसी भी प्रकार से वो काम के लायक नहीं होती हैं। तो जब काम के लायक नहीं होती हैं तो उसे सरकार बेच देती है, क्योंकि कबाड़ रखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, तो इसमें है सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक, ठीक है, रूप से वस्तुओं के विक्रय विक्रय के लिए ठीक है जारी की जाने वाली निविदा, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक वस्तु कोई भी है, यदि खराब हो चुकी है, कुछ ठीक भी है, तो उसके लिए ओके क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो किसी वस्तु को सार्वजनिक रूप से बेचने के लिए जो नीलाम वो सूचना जारी की जाती है उसी को ही कहा जाता है नीलामी सूचना। इसके बाद तीसरा है ठीक है, इसे बोलते हैं कथित मूल्य या बाजार भाव निविदा। इसका मतलब है कि यदि सरकार को कुछ वस्तुएं खरीदनी होती हैं तो क्या करता है, एक निविदा जारी करता है कि हमें ये चीज़ें खरीदनी है, और जो होते हैं जो बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं मूल्य निर्धारित करके और उसे भेजते हैं, जिसे कोटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा वस्तुओं को खरीदने के लिए। अब देखिएगा इस वाले में यानी नीलामी सूचना में जो सबसे ज़्यादा क्या करेगा बोली लगाएगा उसे दी जाएगी, और इसमें जो सबसे कम बोली लगाएगा ठीक है उसे दिया जाएगा। तो दोनों में यही अंतर है। तो किसी वस्तु की आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब होता है भेजने के लिए, किसी वस्तु की आपूर्ति के लिए ठीक है जारी की जाने वाली जारी की जाने वाली निविदा ठीक है, यानी इस वस्तु का आपूर्ति करनी है ठीक है, और इसे क्या किया जाएगा, और हर एक क्या करेगा अपना अपना कोटेशन देगा कि हम इतने में देंगे, हम इतने में देंगे, हम इतने में देंगे, जिसका सबसे कम होगा उसे सरकार क्या कर देगी अप्रूव कर देती है। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा है फोर्थ, यदि समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय निविदा, अंतर्राष्ट्रीय निविदा बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो भारत में नहीं बनती है, किसी देश में नहीं बनती, और वो दूसरे देश से मंगवाना चाहते हैं, तो दूसरे देश से जब सरकार मंगाती है उसे भी क्या करते हैं निविदा के द्वारा मंगवाया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली है राफेल वाला सौदा, तो जो विदेशों के साथ सौदा होता है पहले उसे क्या किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदा जारी किया जाता है, उसमें कंपनियां अपना क्या करती हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनके या कोई भी व्यक्ति होता है जो उस चीज़ की आपूर्ति करवा सकता हो,
वो अपने जो है यानी कि निविदा प्रस्तुत करता है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वस्तुएं होती हैं मंगाई जाती हैं, ठीक है, उनके लिए जो जारी की जाती है निविदा, उसे अंतर्राष्ट्रीय निविदा कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति के लिए जारी की जाने वाली निविदा, ठीक है। और इसी में अंतर्राष्ट्रीय जब होता है तो यहीं पर बहुत बड़ा खेल होता है, कंपनी से डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो किसी दूसरी कंपनी को पेनी पकड़ते हैं जो कि उन सभी चीज़ों में क्या होती है, महारत हासिल होती है। तो वो जाते हैं, नेताओं को पकड़ते हैं, नेताओं को पकड़ने के बाद फिर क्या कर देते हैं वो, यानी कि घूस वगैरह कहीं कहीं कुछ जो है वो दे वो करके, और उसके बाद उस चीज़ को, ठीक है, यानी कि खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा उसमें बोफोर्स सौदा यानी घोटाला, इसी तरह से कई घोटाले। तो घोटाला जो होता है ना वो यहीं पर होता है, ठीक है। निविदा मांगा जाता है लेकिन कंपनी सीधा कंपनी से संपर्क ना करके दो तीन मध्यस्थ हो जाते हैं और वो मध्यस्थ बोलते हैं कि ठीक है हम आपको क्या करेंगे, ये वस्तु आपूर्ति करवाएंगे, हम इस वस्तु की आपूर्ति करेंगे, हम इस वस्तु की आपूर्ति करेंगे। तो उसमें ज़्यादातर, ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे लिखना नहीं आप लोगों को, ठीक है। उसमें वैसे तो सरकार उसको चुनती है जो सबसे कम, ठीक है, दाम पर देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है, ठीक है, कथित मूल्य बाजार और ये वाला, दोनों एक तरीके होते हैं। ये कथित मूल्य निविदा जो होती है वो सिर्फ देश के अंदर जारी की जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाती है। देश के अंदर जो आपूर्ति करवाना हो वो, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपूर्ति करवाना हो उसके लिए, ठीक है। तो बाहर से ज़्यादातर रक्षा सौदे वगैरह होते हैं तो उन्हीं के लिए ये निविदाएं जारी की जाती हैं, ओके। चलिए इसके बाद है इनका उपयोग कब किया जाता है, ठीक है। ये उपयोग है, फर्स्ट है जब धन अधिक वे की संभावना हो, ठीक है। अधिक धन व्यय हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, दूसरे यानी कंपनियों से काम करवा लिया जाता है, उन्हें बाद में धीरे धीरे चुकता किया जाता है, यह नहीं कि उन्हें इकट्ठा चुकता किया जाए। और यदि सरकार खुद कार्य करवाती है तो उस कार्य के लिए सरकार को संपूर्ण जितना धन है वो पहली शुरुआत में ही उसको एकत्र करना पड़ता है। तो इसके लिए जब धन अधिक यानी कि व्यय होने की संभावना हो। दूसरा है कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना हो, ठीक है। यानी सरकार ज़्यादा पैसा ना खर्चा करना चाहती हो इसलिए वो निविदा जारी करती है कि कम से कम जो क्या करेगा, बोली लगाएगा, उससे हम क्या करवाएंगे, काम करवाएंगे। और अभी हम जब विशेषताएँ पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों करती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, उपयोग अधिक धन की संभावना हो तो क्या करेगा, सरकार अधिक धन अपना नहीं लगाना चाहती। फिर उसके बाद है कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना हो
तो ये हो जाएगा। अगला है विशेषताएं इसकी, ठीक है, विशेषताएं। देखिए आप लोग जो मैंने पढ़ रहे हैं, सभी लोग प्लीज़ ऑनलाइन आ जाइए और इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पक्का है कि ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों को कोई संभाव यानी कि इसमें प्रश्न वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इसका मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग इसे यानी कि अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो विशेषताओं में सबसे पहला क्या है कि इसमें धन और समय दोनों की बचत होती है। धन की बचत किस तरह से होती है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कोई कार्य करना हुआ और उस कार्य को कराने के लिए कई मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार उन मशीनों को खरीद तो लेगी, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर वो उसके लिए यूजलेस हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए सरकार क्या करती है कि वह मशीनें जिनके पास हैं उन्हें निविदा दे देती है कि आप क्या करो, कार्य करवा दो। तो हमारा मशीन खरीदने वाला जो वो है धन है वो बच जाएगा, ठीक है। अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता है कि जा करके बार बार उसे क्या कर सके, देखें, ठीक है, वहाँ इंस्पेक्शन करें। तो जिसे निश्चित शर्तों के आधार पर क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, आप इस काम को करवाइए, अब वो काम करवाता रहेगा। अधिकारी अपना जब आए एक हफ्ते दो हफ्ते 15 दिन में जाकर देख करके साइट को आ जाएंगे, ठीक है, उसे यानी कि हमेशा वहाँ पर उनको रुके रहने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा ही लोग भी करते हैं, अब लोग भी यानी कि सार्वजनिक के अलावा भी व्यक्तिगत रूप से करते हैं। किसी को मकान बनवाना हुआ तो वो इतना लफड़ा नहीं पालते, नहीं लफड़ा नहीं करने का मतलब कि वो इतना ज़्यादा यानी जो तनाव है वो नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ करते हैं क्या, उनके पास समय नहीं होता, इसलिए वो किसी ठेकेदार को दे देते हैं। और ठेकेदार को देने के बाद क्या हो जाता है, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो घर बनवा करके दे, वो अपने काम पर चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपना जा करके उधर कमाई भी करते रहेंगे वो, और उनका घर भी बनता रहेगा, और वो उसकी जिम्मेदारी है ठेकेदार की, वो घर बना करके पूरी तरह से उस कंडीशन का दें जो उन्होंने क्या किया है, उनको कहा है, ठीक है। तो अपना काम भी देखते रहते हैं, उनकी समय की बचत होती है, और बना करके जब घर बन जाता है तो अपना घर एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि इसमें जो बचत होती है धन और समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, इसमें दूसरा है कार्यदाता या कार्य प्रदाता, जो कार्य कर रहा होता है कार्य प्रदाता को कार्य समाप्त होने के बाद ही भुगतान करना होता है। यानी इससे क्या हो जाते हैं, लोग बच जाते हैं, सरकार बच जाती है, उसे शुरुआत में क्या नहीं करना है, प्रशासन को शुरुआत में पैसा नहीं देना है और ना ही उतना लगाना है पैसा। जैसे 20 करोड़ का काम करवाना है तो 20 करोड़ उसे लगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो क्या चीज़ कर देंगे, 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, 3 करोड़ दे देंगे, उसका जब कार्य पूरा हो जाएगा या कार्य के बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे, जब कार्य पूरा हो जाएगा उसकी जाँच हो जाएगी तब उसके बाद भुगतान लास्ट में कर देते हैं। इसलिए वो पैसा जो उतने समय के लिए सरकार के यानी कि दूसरी यानी यहाँ में लगा सकती थी वो दूसरी जगह लगा सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद है तीसरा, कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं होता,
या कोई समझौता नहीं होता, समझौता नहीं होता, ठीक है। यानी जितना उसमें शर्त लिखा रहेगा उसी अनुसार उनको देना होगा, और यदि नहीं उसको पूरा करते हैं तो पैसा पेमेंट नहीं होगा। इसके बाद चौथा है, कार्यस्थल पर बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कार्यस्थल पर जा जा करके देखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद पांचवा है, कार्य प्रदाता की जिम्मेदारी निश्चित होती है। जिम्मेदारी निश्चित होती है, ठीक है, यानी उसे देना ही देना है और यह निर्धारित होता है। ओके, क्लियर हो गया ये? तो ये प्रमुख क्या है, विशेषताएं हैं जिसके कारण क्या करवाया जाता है, यही है विशेषताएं जिसके कारण जो निविदा है वो जारी की जाती है, ठीक है। निविदा जो है वो इसी इन्हीं कारण जारी की जाती है। चलिए अगला अब हम पढ़ेंगे, मैंने जो बताया था पहले भी वही है, पहले हमने परिभाषा पढ़ी, उपयोग पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी, अब हम इसका पढ़ेंगे क्या, प्रारूप, ठीक है। तो निविदा का प्रारूप क्या होता है, बहुत छोटा सा प्रारूप होता है, ठीक है। इसका प्रारूप सबसे पहले यहां पर होता है कार्यालय का नाम, बीच में कार्यालय का नाम और पता, ठीक है। इसके बाद होता है संख्या लिखिए या क्रम संख्या लिखिए, बात एक ही है, क्रम संख्या ये होता है, यहीं पर लिखी जाती है दिनांक, फिर यहां पर लिखा जाता है निविदा सूचना, ठीक है। निविदा सूचना लगभग ये उसी तरह से आप लोग जो पेपर वगैरह में देखेंगे, नहीं न्यूज पेपर में देखेंगे, तो ये इधर और इधर लिखा जाता है, क्रम संख्या इधर लिख देते हैं, दिनांक वहाँ लिख देते हैं, जगह बचाने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है वो यही होगा। ठीक है, आप लोग रिस्पांस भी दिया करिए जिससे कि यह पता लगे कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद यहां पर आप लोग जानते हैं कि वही वाला, यानी कि यहां भी ये क्या होगा, हाशिया होगा, यहां पर भी हाशिया होगा, ठीक है। हमें इसके मध्य में ही लिखना होगा, यहां से शुरुआत करते हैं, शुरू में जो भी लिखना होता है, ठीक है, ये लिख दिया जाता है यहाँ पर, यानी कार्य क्या करवाना है क्या नहीं करवाना उसके विषय में यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है जी। मीनाक्षी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अच्छा ठीक है, ये है। इसके बाद
इसके बाद होता है कार्य विवरण। कार्य विवरण, ठीक है। कार्य विवरण में कई तरह से, यानी कि वहां पर सारणी बना दी जाती है, क्रम संख्या, कार्य, चलिए इसे मैं अगले उसमें कर देता हूं, उसमें से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर यहां लिखेंगे कार्य विवरण, एक सारणी बनाएंगे क्रम संख्या, फिर इसके बाद है कार्य या वस्तु, इसके बाद है नेक्स्ट है अनुमानित लागत, जो भी लिखना चाहें रुपए में, रुपए में। इसके बाद होगा धरोहर राशि, रुपए में। अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। इतना हो गया। इसमें हो गया 1, 2, 3, ठीक है। कार्य जो भी है ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए। इसके बाद क्योंकि अभी पता नहीं है तो क्या है, डैश डैश कर देंगे। यहाँ पर भी क्या हो गया, डैश डैश, ठीक है। ये हो जाएगा अवधि का भी, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा निविदा की शर्तें, ये नंबर 1, 2, इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे हस्ताक्षर, फिर नाम ब्रैकेट में, फिर पद नाम, ये आपका प्रारूप है। ओके, प्रारूप क्लियर हुआ। चलिए फिर एक बार देख लीजिए, यहां पर हम क्या करेंगे, कार्यालय का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, क्रम संख्या, दिनांक, निविदा सूचना, यह रहेगा। इसके बाद जो कुछ लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, किस किस चीज़ से संबंधित है या क्या है वो लिखे जाएंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा इसमें कार्य का वर्णन, यानी कि वस्तु चाहिए तो वस्तुओं की संख्या या वस्तुओं का प्रकार नाम लिख देंगे, और कार्य करवाना है तो कार्य के लिए, जैसे स्कूल में होता है स्कूल बनवाने के लिए कमरे इतने बनवाने हैं, इतने टॉयलेट बनवाने हैं, इतने जो है लाइब्रेरी बनवानी है,
कमरे यानी हाल बनवाने हैं तो वो सब लिखा जाएगा, उसका अनुमानित लागत इतना है, इतने जो है ठेकेदार को जमा करना पड़ेगा, इतने समय में बनाकर देना पड़ेगा। ये होती है निविदा। इसके बाद है इसकी शर्तें लिखी जाएंगी और इन्हीं शर्तों के साथ ही उसे अपना कार्य पूरा करके देना पड़ता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद एक हम पत्र लिखते हैं यानी कि निविदा पत्र। प्रश्न है, स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड की ओर से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु निविदा सूचना जारी कीजिए। स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड की ओर से आवश्यक वस्तुओं की ठीक है पूर्ति होती या आपूर्ति हेतु निविदा सूचना जारी कीजिए। तो अब इसका उत्तर लिखने के लिए यहीं से शुरू कर देंगे तो इसका पता क्या होगा? स्वास्थ्य निदेशालय या उत्तराखंड कर दीजिए, उत्तराखंड स्वास्थ्य निदेशालय 3 जून 2022। इसके बाद बीच में लिखेंगे निविदा सूचना ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? चलिए देहरादून इकट्ठा है, लिखना शुरू करेंगे हम यहीं से नीचे से। राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा लिखिए या औषधि लिखिए,
औषधि वितरण हेतु, ठीक है, आप दवा भी लिख सकते हैं, औषधि लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब जो परिभाषा में लिखा है वही लिखना है, पंजीकृत, चाहे दवा विक्रेता लिखिए या औषधि विक्रेता, तो दवा विक्रेताओं से ठीक है सील बंद या मुहर बंद, सील बंद से ज़्यादा ठीक है मुहर लिखते हैं, ठीक है मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है, आमंत्रित की जाती है ठीक है राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क औषधि वितरण हेतु पंजीकृत दवा विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। तो है यही जो हमने उसके परिभाषा में पढ़ा था कि पंजीकृत होना चाहिए, तो पंजीकृत दवाओं के साथ ठीक है इन दवा विक्रेताओं के साथ। चलिए इसके बाद है शर्त, यानी कि कुछ और बातें इसमें होती हैं, ये क्लियर लिखी रहती हैं उसमें ठीक है। निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्य दिवस में दस बजे प्रातः से दो बजे अपराह्न के मध्य ठीक है रुपये 100 मात्र जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 1 महीने कर डालें तो लगभग 1 महीने बाद तक कर रख लीजिए। 4/7/2022 सायं 5 बजे तक
है। निविदा या निविदाएं उपस्थित निविदा दाताओं के सामने पाँच सात 2022 को प्रातः 11 बजे खोली जाएंगी। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें लिख दिया है, अंतिम तिथि कब है, कब खोली जाएगी, कितने बजे तक पहुंचना है, इसलिए इसमें सब फिक्स होता है, हर चीज़ें निश्चित रूप से लिखी जाती हैं। चलिए इसके बाद है, अब वही लिखना है वस्तु विवरण। यहां पर लिखेंगे क्रम संख्या, यहां लिखेंगे वस्तु, अनुमानित मूल्य, करोड़ रुपए में, यानी कि जब संपूर्ण उत्तराखंड के लिए खरीदा जाएगा तो जो होगा वो करोड़ रुपए में ही आएगा, हजार में या लाख में नहीं आएगा। इसके बाद आएगा धरोहर राशि, धरोहर राशि इसका हो जाएगा अवधि, अवधि का मतलब, ठीक है, यानी कि समय, इतना हो गया। चलिए आप लिखेंगे क्रम संख्या 1, 2, 3, चलिए 4 लिख लेते हैं। पहले वाले में ग्लूकोज 500 ml, दूसरा है सिरिंज, ठीक है, फिर है बैंडेज, इसके बाद है बेबी किट, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही वाला लिखना, लेकिन संबंधित वो सिर्फ मेडिकल से होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अनुमानित राशि ये लगभग होगा, ठीक है, 5 करोड़, ठीक है। सिरिंज इसे आप लगभग पहुंचा दीजिए 4 करोड़, ठीक है। बैंडेज 3 करोड़ और बेबी किट 2.5 करोड़, ठीक है। धरोहर राशि लगभग लगभग इसका 10% होता है, ठीक है। तो 10% का मतलब ये इसमें यहाँ पर हो गया 5 लाख। कई बार उसमें शर्तों में लिखा रहता है धरोहर राशि जो है कुल राशि का 10% होगा। ये 4 है, ठीक है, तो 4 करोड़ है तो इसका हो जाएगा 4 लाख।
ठीक है, तीन है तो ये हो जाएगा 3 लाख, इसमें ढाई है तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख, और यहाँ पर है, यहाँ वर्ष पर्यंत कर दीजिए, वर्ष पर्यंत का मतलब हुआ कि साल भर, साल भर आपूर्ति क्या होगा करना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें ये लिखा गया क्रम संख्या, वस्तु का नाम, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन हाँ उसी से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेडिकल के लिए और यहाँ पर सब्जी और वो फलों के नाम लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे LBS वो यदि वहाँ से जारी किया जाएगा हॉस्टल से रहने की उसके लिए, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। किसी भी जगह कंप्यूटर की आपूर्ति है तो कंप्यूटर और कंप्यूटर के जो यानी कि एक्सेसरीज है उनका नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से इतना हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद निविदा की शर्तें, ठीक है, निविदा की शर्तें, ये अमूमन वो शर्तें होती हैं जो लगभग लगभग किस में पाई जाती हैं, हर एक में पाई जाती हैं। ठीक है, पहली शर्त है निविदा के अनुसार निर्धारित शुल्क पर वर्ष पर्यंत वर्ष पर्यंत की जगह वर्ष भर लिख सकते हैं आप, वर्ष पर्यंत नियत स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी, ये पहली शर्त हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी शर्त, निर्धारित कर दिया गया कि जहाँ पर वस्तु की डिमांड होगी वहाँ पर पहुँचाई जाएगी और जो निश्चित है पैसा उसके द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, इसके बाद है भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा, पालन करना होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, जब्त कर ली जाएगी
ठीक है, चौथा है, अब लगभग लगभग ये कंप्लीट होने वाला है। निविदा को निरस्त करने ठीक है, यानी निरस्त करने का अधिकार वो अपने पास ही रखता है। अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरी के पास होगा। ठीक है, लास्ट है समस्त ठीक है, समस्त का मतलब सभी न्यायिक परिवाद न्यायिक परिवाद का क्षेत्र देहरादून होगा। ठीक है, अब ये क्योंकि आदेश हो रहा है, रो हो रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, हस्ताक्षर, फिर आएगा नाम, और यहाँ पर है निदेशक। कभी भी निर्देशक मत लिखिएगा, ठीक है, निदेशक होगा। ओके, तो ये हमारी निविदा थी। प्रश्न में आप लोगों के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अब निविदा किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये हमने वस्तुओं के खरीदने के लिए जारी किया था निविदा, इसके अलावा यानी कि कोई दूसरी भी निविदा हो सकती है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। मैं इसे यानी इसमें जो निविदा है सभी इसमें मैंने सम्मिलित कर दिया है। एक बार फिर मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले निविदा सूचना की हमने परिभाषा लिखी है कि कोई कार्य करवाने के लिए सरकार क्या करती है, जो प्रपत्र जारी करती है, ठेकेदारों से मंगवाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, निविदा बोलते हैं, ठीक है। इसके यानी कि इसमें खासियत क्या चीज़ होती है इसकी, पहले इसके प्रकार, अच्छा इसके जो है चार प्रकार हैं, ठीक है, चर लिख दिया मैंने, माफी चाहता हूँ। इसके चार प्रकार हैं, अल्पकालिक निविदा यानी कम समय में कार्य समाप्त करने के लिए जो जारी की जाती है निविदा, ठीक है, वो अल्पकालिक निविदा होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, नीलामी सूचना यानी कि सार्वजनिक रूप से कोई वस्तु सार्वजनिक वस्तु है, ठीक है, उसे बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए, ठीक है, जो निविदा जारी की जाती है वो, ठीक है, यानी कि विक्रय निविदा होती है, ठीक है, नीलामी निविदा होती है।
इस बात कथित मूल्य या बाजार भाव की निविदा, यानी बाजार भाव या बाजार के अनुसार बाजार में प्रचलित दरों पर जब क्या किया जाता है, मांगा जाता है, ठीक है, वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए, ठीक है, यानी आपूर्ति करने के लिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को पत्र पढ़वाया है, ठीक है, यानी जो लिखवाया है वो यही है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय निविदा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वस्तुएं क्या की जाती है, खरीदी जाती हैं, उनके लिए जब जारी किया जाता है निविदा, तो अंतर्राष्ट्रीय निविदा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग क्या है, जब धन अधिक व्यय की संभावना हो, यानी ज़्यादा धन लगना हो और समय भी ज़्यादा लगना हो, ठीक है, तो क्या होता है, सरकार या कोई भी व्यक्ति भी यानी निविदा जारी कर देता है। कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना हो तब कम से कम, तो कई लोग होते हैं तो उनमें से कंप्यूटर होता है। निविदा के लिए मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग, कम से कम, ठीक है, तीन व्यक्ति होना ज़रूरी है, दो के बीच में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कम से कम कंपटीशन में तीन व्यक्ति होने चाहिए। यदि तीन व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो निविदा फिर से मंगवाई जाएगी। ओके, चलिए अगला है इसकी विशेषताएं। धन और समय दोनों की बचत होती है, क्योंकि चिंता करने की जरूरत नहीं होती, काम किसी और को दे दिया गया, जब मर्जी हो तब चेक करके चले जाइए। तो इसका मतलब है वहाँ पर बार बार क्या होना है, जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद कार्य की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होता, कारण ये चीज़ है कि किसी ने कहा है कि हम काम करके देंगे और वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है कार्य, ठीक है, प्रदाता, कार्य प्रदाता का मतलब जो काम कर यानी देने वाला होता है, कार्य प्रदाता की जिम्मेदारी निश्चित होती है, ठीक है। तो कार्य प्रदाता जो होता है उसकी जिम्मेदारी निश्चित होती है, कार्य प्रदाता यानी कि कार्य प्रदान करने वाला, ठीक है, वो कार्य प्रदाता होता है, उसकी जिम्मेदारी निश्चित होती है कि वो काम करके देगा, जो जो शर्तें हैं उसे पूरी करेगा। इसके बाद है इसका प्रारूप, कार्यालय का सबसे पहले नाम और पता आएगा, फिर क्रम संख्या, फिर दिनांक और फिर निविदा सूचना लिखा जाएगा, जो जो बातें होंगी यहाँ पर लिख दी जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें विवरण दिया जाएगा, विवरण सारणी में ही अधिकतर होता है, ठीक है। और निविदा की शर्तें ये हो गई। अब जब कभी कभार ये होता है नीलामी सूचना होती है, तो नीलामी के लिए कहा जाता है कि किसी भी कार्य दिवस पर, नीलामी के लिए अलग लिखा जाता है, किसी भी कार्य दिवस पर वस्तुओं को जाकर के देखा जा सकता है, ठीक है, यानी कि वस्तुओं को जाकर के देख लीजिए, यानी कि देखा जा सकता है, उसके बाद वस्तु या जो भी यथास्थिति है उसे जाकर देखा जा सकता है, ठीक है। ये फिर इसका निविदा की शर्तें होती हैं, जो भी शर्तें लिखी जाती हैं पॉइंट वाइज, उसके बाद हस्ताक्षर होता है, निविदा जारी करने का वाले का नाम होता है और पद होता है, पद नाम उसका होता है, ठीक है। इसके बाद है ये प्रश्न है, स्वास्थ्य निदेशक उत्तराखंड की ओर से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निविदा जारी कीजिए। तो यहाँ पर है ये उत्तराखंड स्वास्थ्य निदेशालय देहरादून, आप क्रमांक ये है, दिनांक इतना डाल दिया गया है 3 जून। इस बाद निविदा सूचना, आप लोगों भी जिस तारीख को लिखना है आप लोग क्या करना है, ये यानी कि उसी दिन की डेट डालनी है, कोई और दूसरी डेट नहीं डालना है। फिर इसके बाद जो लिख दिया गया है, ये भाषा लगभग ये होती, राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क औषधि वितरण हेतु पंजीकृत दवा विक्रेताओं से मुहर बंद, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहीं पर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि विक्रेताओं से मुहर यानी कि इतनी तारीख तक इतने बजे तक, जैसे मैंने लिखवाया वहाँ पर कि 4 जुलाई 2022 सायं 5 बजे तक मुहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आप यहाँ पर भी उसे मेंशन कर सकते हैं, अलग से लिख दें तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है निविदा प्रपत्र, जो प्रपत्र होता है उसे शर्त लिखी जाती है कि कितने का मिलेगा, तो निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से लेकर के, ठीक है, प्रातः 10 बजे प्रातः से 2 बजे अपराह्न के मध्य 100 रुपये मात्र जमा करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। प्राप्त मैंने 2 बार लिख दिया है, तो इसे एक प्राप्त को हटा दीजिए, ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। तो
प्राप्त किया जा सकता है। और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 4/7/2022 5 बजे। निविदा के लिए खासियत यही है कि इसके लिए समय निर्धारित होता है, दिनांक और समय निश्चित लिखा जाता है तक है। निविदाएं उपस्थित निविदादाताओं, ठीक है, यानी कि जिन्होंने क्या किया है, निविदा प्रदान की है, तो निविदादाताओं के सामने या की उपस्थिति में 5 यानी उसके बाद किसी भी 2-3 दिन छोड़ करके दे सकते हैं, 5/7/2022 को प्रातः समय दिया जाता है, यानी प्राप्त होने का भी समय, निविदा खोलने का भी समय, प्रातः 10 बजे, 11 बजे कर दीजिए, खोली जाएंगी। फिर वस्तुओं का विवरण हो गया, इतना हो गया, अनुमानित लागत इतनी है, धरोहर राशि इतनी होगी। अनुमानित लागत जितनी लिखेंगे उसका 10% धरोहर राशि होती है, यानी कि ये राशि उसे क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा सरकारी खाते में। और यहाँ पर ये समय यानी किस अवधि तक पूरी करनी है ये हो जाता है। फिर इसके बाद शर्तें हो जाती हैं, शर्तें लगभग लगभग क्या होती हैं, इसी कंडीशन में रहती हैं। फिर हस्ताक्षर हो जाएगा, नाम हो जाता है और उसका पदनाम हो जाता है। ओके, तो मैं समझूं कि आप लोगों को आ गया होगा। समझ में नहीं आया, ठीक है, आप क्या पूछ रहे हैं, प्राणगण या पत्रांक पूछ रहे हैं? दिशा जी आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, प्राणगण क्या होता है ये समझ में नहीं आया। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ज़रा एक बार क्लियर कर दीजिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, आपने जो है याद दिलाया यहीं पर है, ठीक है, इसमें ही जहाँ पर ये है, ठीक है, इसके सामने, तो यहाँ पर यानी सामने इसको प्रातः 11 बजे अब यहां पर खोली जाएगी कि जगह पर, बिल्कुल, कार्यालय प्रांगण, कार्यालय प्रांगण में खोली जाएगी। ठीक है, स्थान लिखना होगा, बिल्कुल, ओके, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैंने पता हो गया होगा अब। और आप लोग जो पत्र दिया जाता है, आप लोग पत्र जरा यानी लिखिए, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और ये लगभग लगभग आपके यानी कि अब लग रहा है कि 50 में, वैसे तो निविदा बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो ओके, तो गुड नाइट, मिलते हैं, ठीक है, अगली क्लास में। और आप लोगों को मैं इसमें डाल दूंगा ग्रुप में, जो यानी कि हमको निविदा जिस विषय में लिखनी होगी। ओके, किसी और का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। Take care and all the best. Good night.